नमस्कार दोस्तों, केबीसी आदर्श चैनल आपका स्वागत है। दोस्तों चलिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा हैवन। दोस्तों तो आज हैवन के बारे में जानते हैं। कुछ ऐसे मटेरियल एकत्रित करके लाया हूँ, यहाँ से हमें नहीं लगता कि बाहर से क्वेश्चन पूछेगा किसी भी एग्जाम में, चाहे वो आपका कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि कौन कौन से एग्जाम आपको कब कब क्रैश करना है। ठीक है, अब आइए चलते हैं कि यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हैवन का सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि हैवन जो होता है दोस्तों, वो किसी भी चीज को कूटने, पीसने, ठोकने, ठठाने या मरम्मत करने या और सब चीजों के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे चैनल का, रिवेटिंग का, और जैसे कि ग्रिफिंग का, ग्रूविंग का, इन सब कामों में इसका, झिर्रियों का, इन सब कामों में इसका यूज किया जाता है। बट हमें क्या करना है कि यहाँ पे ये चीज देखना है कि इसका क्वेश्चन किस प्रकार से और कैसे बनाता है। तो चलिए, इसमें कुछ टॉपिक दिए हुए हैं, इस टॉपिक को देख लिया जाए। 24 से लेकर अधिक टॉपिक है इसमें, तो जहाँ तक देखा जाए ना तो ये सारे इसी में से आने वाला है। और रही बात, अगर कहीं बाई चांस अदर वाइज पूछता है तो उसकी भी वीडियो में क्लियर बना सकता हूँ। चलिए पहला नंबर डालते हैं कि हैवन का वर्गीकरण पूछता है दोस्तों। तो हैवन का वर्गीकरण आप यहाँ एक नंबर को देख सकते हैं, इससे किया जाता है पेन तथा भारत। अब ये पेन जो आपका ऊपर दिखाई दे रहा है इसको पेन बोलते हैं, जो गोल आकृति का दिखाई दे रहा है इसको पेन बोलते हैं। और इसका वजन कितना है उससे हम इसका वर्गीकरण स्पेसिफाई या स्पेसिफिकेशन करते हैं दोस्तों। नंबर टू की बात करते हैं यहाँ पर कि हमारा मार्किंग के लिए किस प्रकार का हैवर का यूज किया जाता है दोस्तों। तो यहाँ देख सकते हैं आप 125 से लेकर 250 ग्राम, 125 से लेकर 250 ग्राम तक हम किसी लेकर मार्किंग के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि 0.33 दिया हुआ है। ठीक है, तो 0.33 का मतलब क्या हो गया, अब ये है आपका 125 है, ये है 250, तो 0.33 का मतलब ये हो गया कि 330 ग्राम से नीचे तक आप मार्किंग के लिए यूज कर सकते हैं। भाई बेंच के लिए, अगर बेंच पे काम कर रहा है तो 450 के नीचे तक यूज कर सकते हैं, मतलब 450 तक यूज कर सकते हैं, जहां तक समझिए कि आधा केजी तक हैवर यूज कर सकते हैं। इसके बाद से 0.91 तो भारी कार्यों के लिए, जैसे फोर्जिंग वर्कशॉप में 1 kg तक का हैमर का स्ट्रैकिंग करके उसमें यूज किया जा सकता है। तो ये आपका तीनों के लिए हुआ, किसके तहत, ये मार्किंग के। ठीक है, अब अगला हम बात कर लेते हैं, पूछता है कि हैमर किस धातु के बनाया जाता है, तो HCF और आपका CS का बनाया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं तीसरा नंबर का क्वेश्चन, HCS मतलब हाई कार्बन स्टील और CS का मतलब कार्बन स्टील या सॉरी कास्ट स्टील के बनाए जाते हैं। ठीक है, अगला पूछता है आपका कि बॉल पेन हैमर के द्वारा क्या किया जा सकता है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, रिविटिंग किया जा सकता है और चिपिंग किया जा सकता है। बॉल पेन हैमर ये जो दिखाई दे रहा है, या ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा कि रिविटिंग तथा चिपिंग के लिए किस हैमर का प्रयोग किया जाता है, तो बॉल पेन हैमर का यूज किया जाता है। क्योंकि जब रिविट हम उसके हेड को, आकार को बनाना रहता है तो बॉल पेन हैमर जैसे यूज करते हैं। अगला हमारा मैलेट हैमर, देखिए सॉफ्ट हैमर जैसे तीन टाइप का आ जाते हैं, हाइड हैमर, मैलेट हैमर, उसके पास एक और हैमर होता है जैसे लकड़ी उकड़ी का बना, ये मैलेट आपका होता है। तो ये क्या होता है दोस्तों, ये मैलेट जो होता है वो लकड़ी के बनाए जाते हैं और वो तीन तरह का होता है। और उस तीन प्रकार के कौन कौन से वो होते हैं, तो उसका देखिए हाइड, मैलेट और नायलॉन। नायलॉन वाला क्या होता है, फिनिशिंग वाले थोड़ा सा रबड़ वबड़ के बनाए जाते हैं थोड़ा सा। और ये मैलेट वाला जो होता है दोस्तों, लकड़ी का बनाया जा सकता है। और हाइड होता है दोस्तों, तो हल्के मतलब सूत्री पार्ट पे दबा या चोट मारने के लिए उसे यूज किया जाता है। बट क्वेश्चन कैसे करता है कि मैलेट हैमर किसका बना होता है, तो लकड़ी का बना होता है। लकड़ी जो होती है वो किस हैमर को बनाने के लिए यूज किया जाता है, तो मैलेट हैमर का यूज किया जाता है। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए अगला देखते हैं, रिविटिंग है, रिविटिंग हेड को आकृति देने के लिए, बनाने के लिए किस हैमर का यूज करते हैं, तो बॉल पेन हैमर का यूज कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप बॉल पेन हैमर का यूज कर सकते हैं। अगला आपका सातवां नंबर बता रहा है कि नालिया स्लॉट चैनल, नालिया स्लॉट चैनल के लिए किस हैमर का प्रयोग करते हैं। तो देखिए हैमर में भी जैसे तारे के अनुसार अलग अलग है, त्रास आएगा, स्ट्रेट आएगा, फ्लैट आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अलग अलग हैमर हो जाते हैं। तो हमें यहाँ पर स्ट्रेट पेन हैमर जो होता है वो ये कह रहा है, स्ट्रेट पेन हैमर, ठीक है, वो ये कह रहा है कि नालियां स्लॉट चैनल बनाने के लिए स्ट्रेट पेन हैमर का यूज किया जा रहा है। अगला आपका यहाँ पर है कि लोहा मतलब स्लेज, स्लेज हैमर का प्रयोग कहाँ पे, 2 kg से 10 kg का होता है। यहाँ 14 नंबर में आप देख सकते हैं कि 2 kg से लेकर 10
50 केजी तक का होता है, ये सबसे ज्यादा फोर्जिंग वर्कशॉप में यूज किया जाता है, जो लोहार गिरी वाले लोग इसको यूज करते हैं। अगला आपका है यहाँ पे कला कारपेंटर। कला 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 कैसे रहेगा, जो आपका हेड है दोस्तों उसी हेड की आकृति में ऐसे सीन जैसे रहेगा, ठीक है ऊपर। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, आई होल बन जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा आपका, इसमें हैंडल लग जाएगा। तो ये कील आदि निकालने के लिए इसे यूज किया जाता है। क्या कील आदि निकालने के लिए कारपेंटर वाले सबसे ज्यादा इसे यूज करते हैं। अगला आपका है हैंडल के क्राफ्ट। हैंडल के क्राफ्ट कौन सा हैमर रहता है, उसका पेन जो हेड होता है, हैंडल के क्राफ्ट होगा आप देख सकते हैं, क्राफ्ट पेन हैमर लिखा हुआ है और होता ये देखिए कौन सा हैंडल के क्राफ्ट, हैंडल है उसके क्रॉस कौन सा रहेगा, तो क्रॉस पेन हैमर रहेगा। स्टेट की बात करेगा सीधा नहीं उसके, तो सीधा मतलब स्टेट वाला रहेगा। स्टेट पेन हैंडल की बात करेगा तो स्टेट पेन मतलब उसका जो हेड रहेगा वो सीधा का रहेगा, ठीक है। 13 नंबर की बात करते हैं, सी को मोड़ने के लिए किस पेन का यूज किया जाता है, तो क्रॉस पेन हैमर का यूज किया जाता है, जो यहाँ पर आपको क्लियर किया हूँ। अब ये आपको क्लियर हो गया, फिनिशिंग पार्ट के लिए हम सॉफ्ट हैमर का यूज करते हैं। सॉफ्ट हैमर में अभी बताया कि एल्यूमिनियम का बना होता है, लकड़ी का बना होता है, रबर का बना होता है, प्लास्टिक का बना होता है, इतने सारे का बनाया जाता है। बॉल पेन हैमर का अगला आता है, बॉल पेन हैमर का आकार कैसा है, तो भाई आप देख सकते हैं आप कैसा है, तो गोलाकार होता है, एक इस आकृति का होता है, क्योंकि रिबिटिंग के हेड को बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वाली ये चीज है, ठीक है। अगला आपका देख रहे हैं 15 से 30 सेकंड छोड़ का, यहाँ पर हैंडल को आप पकड़ते हो तो क्या करते हो, जब स्ट्रेकिंग करते हो, जब किसी जगह पे चोट लगाते हो, तो वो मान लीजिए कोई इंस्ट्रूमेंट है और उसको किसी आकृति में बदलना है, तो चोट मारने से पहले हैंडल के पीछे हल्का सा 15 से 30 सेकंड छोड़ के पकड़ना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपका यहाँ क्या है कि हैंडल छूटने का चांसेस बन जाएंगे, ये जो आपका हाथ रहेगा हैंडल को छूटने का चांस पूरा बन जाता है, तब जाके आगे एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है। अगला है आपका वेग मतलब पचरी, यहाँ देख सकते हैं वृद्धि का हुआ है, पचरी का हुआ है, पचर अगर ठोक देंगे उसमें तो हैंडल को मजबूती स्ट्रांगनेस मजबूती का काम करता है, वहां से निकलेगा नहीं और स्ट्रेकिंग करता चला जाएगा। सेंटर की ओर में हो, ये आपका आई होल जो होता है वो किस तरफ का होता है, तो सेंटर की तरफ का होल होता है, सेंटर की तरफ का होल इसे कहा जाता है। अगर चिक सॉफ्ट, जो ये चिक होता है वो नरम होता है, पूछता है क्वेश्चन हैमर का कौन सा भाग नरम होता है, तो आप यहाँ बोल सकते हैं कि जो चिक उसका गाल यहाँ पे जुड़ा जाए ये साइड का, ठीक है, वही नरम भाग होता है, बाकी ये भी हार्ड एंड टेम्पर और ये भी हार्ड एंड टेम्पर किया जाता है। अच्छा इसी की बात करेंगे तो हाइपर फ्रैक्चर कैपेसिटी को बोलते हैं और 49 से लेकर 56 तक होता है, कुछ लोग हार्डनेस बोलते हैं, ठीक है, कुछ लोग हार्डनेस इसको बोलते हैं। अब यहाँ पर टाइप की बात करेंगे तो आपका हैमर जो होता है वह किस प्रकार से कौन कौन से कितने टाइप के होते हैं, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं कि कितने प्रकार के हैमर है और आपको दिखाया गया है, ठीक है। तो पावर हैमर आपका हो गया, पावर हैमर की बात करेंगे पहला नंबर, तो पावर हैमर जो है शक्ति मशीन फोर्जिंग के लिए बिजली के द्वारा पावर हैमर यूज किया जाता है। स्लेज हैमर सॉफ्ट हैमर, ठीक है, स्लेज हैमर सॉफ्ट हैमर हैंड हैमर और आपका कला हैमर, ये आपके 5 प्रकार के आते हैं, ठीक है। अब सॉफ्ट में ही अलग टाइप का हो जाता है और हैंड हैमर में भी 3 टाइप का हो जाता है, यही हैमर आपका बढ़ जाते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं है बाकी। जैसे कि पार्ट स्टूडेंट पूछ सकता है कभी एग्जाम में हल्के फुल्के में, तो आप बोल सकते हैं इसको हैंडल है, पेन है, नेक मतलब गर्दन इसको बोलते हैं, आपका आई होल है, वेज मतलब पचरी बोलते हैं, जो पचरी इसमें ठोका जाता है होल में, और ये पोल है आपका, तो पोल जो होता है इतना से इतना आकृति का होता है, और ये आपका फेस है नीचे वाला जो हार्ड एंड टेम्पर होता है, जिसे पिछले पर वो जल्दी से क्षतिग्रस्त नहीं होता है। अब यहाँ बात कर लेते हैं 250-325 कह रहा है कि नॉर्मल जैसे हैमर जो होते हैं उसके हैंडल की लंबाई कितनी होती है, तो 250 से मतलब 250 mm से 325 mm तक ले सकते हो, लेकिन अगर बड़े फोर्जिंग वर्कशॉप में जा रहे हो, फोर्ज वाले में जा रहे हो, भारी भरकम हैमर है, तो उसके लिए 386 से लेकर 450 mm मतलब इतनी बड़ी लंबाई तक भी उसका यूज कर सकते हो, क्योंकि 300 इतना होता है
300 इतना होता है आपका, 4 साढ़े 400 की बात करेंगे इतना हो जाएगा, मतलब पूरी लंबाई का हेलमेट यूज करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों अगले वीडियो मिलते हैं, नमस्कार।